अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान एजाज और मैं आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम गाइज। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि URL Facebook के ऊपर URL किस तरीके से डेवलप किया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं। URL stands for Universal Resource Locator। नॉर्मली ये आपको वेबसाइट का नजर आता है और ये यहाँ पे सर्च बार के अंदर अपने ब्राउजर के अंदर मेंशन करके लिख के जो है वो किसी भी वेबसाइट को ट्रैक डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके फेसबुक जो बिजनेस अकाउंट है, आपका जो फेसबुक पेज है, उसका भी फेसबुक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि उसका भी URL जो है वो आप डेवलप कर सकते। उस URL को, उस यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर को डेवलप करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फायदा क्या होगा URL डेवलप करने का, यहाँ पे जब आपके कस्टमर को आपका वो URL पता होगा तो सिर्फ वो यहाँ पे आपका वो URL लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पेज का URL लिखा है विच इज www.facebook.com/imranejaz और आई एंटर दैट, तो डायरेक्टली आपका कस्टमर जो है वो आपके फेसबुक अकाउंट के जो पेज है, जो बिजनेस पेज है, उस तक जो है वो जा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। सो अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली इंटैक्ट रहने के लिए, ज्यादा ट्रैफिक को अपने बिजनेस पेज के ऊपर लेके आने के लिए, ज्यादा लीड्स को जनरेट करने के लिए हमारा ये URL बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये URL जो है वो आपके पेज पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी डिस्प्ले पिक्चर के बिल्कुल नीचे जो है वो आपके पेज के नाम के बिल्कुल नीचे जो है वो एट द रेट के साथ शो हो रहा होता है। सो लेट मी शो यू दैट हाउ वी कैन डेवलप दिस URL, राइट। सो उसके लिए हम ये जो एक टेस्टिंग पेज हमने डेवलप किया था, उस पेज के ऊपर जाते हैं। सो ये जो पेज है ये क्रिएटिव डायमेंशंस के नाम से है। आप देख सकते हैं इस पेज पे नाम के बिल्कुल नीचे क्रिएट पेज एट द रेट यूजर नेम लिखा हुआ है। सो हम सिर्फ इसको क्लिक करके जो है वो यहाँ पे यूजर नेम क्रिएशन के मेन्यू के अंदर आ सकते हैं। सो ये पूरा डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे पास मेंशन है, जिसमें वो बता रहा है कि हम लोग अपने कस्टम URL जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कुछ चीजें हैं जो आप URL के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे जो है वो करेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस URL को डेवलप करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, एट द रेट का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन आप यूज नहीं कर सकते हैं। अदर देन दैट आप जो है वो स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक यूजर आईडी जो है वो आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे मैसेज शो कर देगा कि द यूजर दिस यूजर नेम इज इट अवेलेबल और इट हैज अ स्पेशल करेक्टर विच इज नॉट अलाउड, राइट। सो आपने वो यूजर नेम सेलेक्ट करना है जो आपके बिजनेस के साथ, आपके बिजनेस नेम के साथ जाता है, क्लोजली रिलेटेड है और उसमें किसी किस्म का कोई स्पेशल अल्फाबेट, स्पेशल जो है वो की जो है वो यूज नहीं की गई है, राइट। सो आपको एग्जांपल के तौर पे लेट मी सेलेक्ट वन यूजर नेम फॉर दिस पेज, राइट। सो हमारे इस पेज का नाम था क्रिएटिव डायमेंशन, तो द क्रिएटिव डायमेंशन के नाम से आई सर्च इट आउट एंड हियर इट गोज। यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि हमारा ये यूजर नेम जो है वो अवेलेबल है। आपके पास 50 अल्फाबेट्स की लिमिट होती है आप यूजर नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग यूजर नेम यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट यूजर नेम। हियर वी गो गाइस, आपका यूजर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो होप सो कि यू हैव लाइक द वीडियो। आपको यूजर नेम डेवलप करना किस तरीके से है वो मैं प्रोसेस जो है वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हुआ। प्लीज अपनी कीमती राय जो है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।